हेलो गाइस, होप यू आर वेल एंड फाइन। सो यस, आज हम लोग लेने वाले थे सुक्का सांस, क्योंकि आज तो हमारा लास्ट पेपर एंड सेंटर में पहुंचने के बाद यहाँ पर हम लोग ने डक्स को देखा। डक्स को देखने के बाद जब हम लोग सेंटर से बाहर आए पेपर देने के बाद, क्योंकि अंदर तो मोबाइल अलाउ ही नहीं था, बाहर जमा करवा के अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर आप बाहर जमा करवाएं, अदरवाइज आप लोग अंदर नहीं लेके जा सकते थे। तो यहाँ पर बाहर आने के बाद हम लोग ने थोड़ी बहुत रीलिंग की एंड यस, मैंने इसकी फुल रील एक यूट्यूब पर बनाई है, आप लोग ज़रूर जाके देखें। सो यस, लास्ट पेपर वाले दिन तो दिल गार्डन हो गया था और पहले से ही प्लान था हमारे कि कुछ भी हो जाए हम लोग लास्ट पेपर वाले दिन कुछ ना कुछ खाने ज़रूर जाएंगे। तो लास्ट पेपर का इख्तिताम करके हम लोग जो है बीफ बिरयानी खाने के लिए पहुंचे। बिरयानी खाने के बाद किसी ने कोल्ड ड्रिंक पी और किसी ने लिमका। तो सोडा शॉप से वापसी आने के बाद मैंने अपनी पूरी गैलरी क्लियर की, जो कि पेपर खत्म होने के बाद हमारा पहला एडमिशन होता है। एंड यहाँ पे मेरे पेपर ख़त्म नहीं होते, मेरी मम्मी ने कहा कि चलो सारे काम करने शुरू हो जाओ, तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें जो है सेट करना शुरू कर दी। दैट वॉज एक्चुअली कॉल्ड सुक्का सांस। दीदी आप तो बड़ी खुश लग रही हैं, लगता है पेपर बहुत अच्छे गए। यस छोटी, तो मैं लग रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरे पेपर बहुत अच्छे गए हैं, क्योंकि मैंने अपनी सारी मेहनत से, और मुझे इसी बात की खुशी है। चले दीदी, अच्छी बात है, इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होंगी। यस छोटी, मुझे तुम्हारी और अपनी यूट्यूब फैमिली की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं अपनी हर स्टेज की लाइफ में सक्सेसफुल रहूँ। तो यहाँ पर तो ये होता रहेगा एंड सी कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। ये वैसे भले कुछ भी करते रहें, लेकिन जिस टाइम मैं इनकी वीडियो बनाना शुरू करूँगी ना, ये सारे मुझे देखने लग जाते हैं, नॉट एट ऑल। एंड यहाँ पे मैंने अपने भाई से मंगवाया अपना फेवरेट बिस्किट, ये इतना यम्मी है गाइस, यू जस्ट वांट टू ट्राई इट, फुल ऑफ चॉकलेट है ये मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है। सो यू जस्ट ट्राई एंड रिव्यू मी कि आपको मेरा सजेशन कैसा लगा। तो गाइस, दीदी के पेपर खत्म होने की खुशी में हम लोग ने बाहर से मिठाई मंगवाई। नो गाइज, नॉट एट ऑल, छोटी ऐसे ही बोल रही है। ये वैसे आज मेरे पापा मिठाई ले आए थे, लेकिन हाँ गाइज, हमने उस दिन मिठाई ज़रूर मंगवाएंगे जिस दिन हमारा पेपर का रिजल्ट जो है 80+ आएगा। सो गाइज, जस्ट नीड फॉर योर प्रेयर्स, अपनी दुआओं में हमें मत भूलेंगा। सो गाइज, तो फिर मेरे लिए दुआएँ ज़रूर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया खाना, तो गर्मी इतनी थी लेकिन फिर भी हम चाय ला रहे, तो हम लोगों ने बनवाई चाय और हम लोगों ने लगाई चाय की चुस्कियाँ। सो गाइस, यही था आज तक का दीदी का व्लॉग, होप यू एंजॉय अ लॉट। अगले व्लॉग के लिए बाय बाय।